आपने ऑयल की बात करी कि ऑयल का यूजेज शायद 2035 तक खत्म हो जाएगा, तो फिर गल्फ का क्या होगा? अभी भी गल्फ सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब वैसे भी आप देखिए, दुबई की डिपेंडेंस ऑन ऑयल इज हार्डली 5% to 4%। मुझे लगता है कि दे विल डेवलप अ पैरेलल इकोनॉमी, टूरिज्म एंड न्यू सिटीज, जैसे नियोम बन रहा है और वहां पे 1 to 10 million लोग रहेंगे इवेंचुअली। इट इज अ स्ट्रेट लाइन जिसपे लोग रहेंगे दोनों तरफ। वहां पे घर होंगे, वहां पे आपके रेजिडेंशियल कैचमेंट्स हैं, वहां पे कमर्शियल वर्क है, लोग वहीं काम करेंगे और कोई रोडवेज नहीं है, सिर्फ एक हाइपर लूप है बीच में और लोग उसी के ऊपर नीचे रहेंगे। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर शहर बना रहे हैं। यस, दे वांट टू बिल्ड अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन द मिडल ऑफ नोवेयर एंड क्रिएट अ कार्बन न्यूट्रल सिटी व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑयल, व्हिच प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी, क्योंकि फ्यूचर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वो एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहे हैं। एंड अगर उन्होंने बना दिया, उस जगह से इतना रेवेन्यू आएगा जो तेल से कभी नहीं आ सकता। इट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल मार्वल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड।